और दोस्तों सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो भाई दिस इज वंश, दिस इज गुटका बॉय अपना। तो भाई मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मेक एन अजम्पशन अबाउट मी एंड मेरे को कुछ रिस्पॉन्सेज आए, तो आज मैं वो आंसर करूंगा अभी। तो बस अभी यूनिवर्सिटी में भाई ऐसी खाना वाना खा रहे थे, अब आंसर करूंगा। तो भाई बस वही चलते हैं। एंड भाई इफ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी स्टोरीज डालता रहूंगा, तो ये फॉलो कर लो एंड इसका अकाउंट रिपोर्ट मारो, ठीक है? चलो आजा भाई, मुझे मत करना फॉलो। क्या मुझे मत करना? और कैसे हो मेरे व्यूअर्स, मुझे पता है तुम इससे ज्यादा मुझे पसंद करते हो, लेकिन कोई बात नहीं। आए हाय, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी। तो भाई थोड़े बहुत रिस्पांस आए थे, अब उनकी उन पे करेंगे। तो भाई पहला रिस्पांस है, तेरी किसी फिरंगी से सेटिंग है। नहीं भाई नहीं। बंजर पड़ा है। क्या कह रहा है? बहुत कोशिश करी इसने। ये ऐसी देखो, ये सब प्राइवेट बातें भाई, रिवील नहीं करते हम ऑनलाइन। गया था एक बार बस। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस अंकित फ्रॉम इंडिया सो मच। हाँ भाई बहुत याद करता हूँ, मिस यू ब्रो। तो अगला रिस्पॉन्स है भाई, दैट यू आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। हूँ क्या? किसने किया ये? पता नहीं किसने किया, तू बता ना। नहीं यार पता नहीं भाई, शायद होऊंगा। होना चाहिए भाई अपने आप से प्यार मुझे करो। मुझे पता है किसने किया। अपने आप से प्यार करो भाई, लोग नहीं करेंगे तुमसे प्यार, तुम अपने आप से ही प्यार कर लो। क्या हुआ? कोई लाइक नहीं करेगा ये वीडियो। सब अपने अपने वीडियो बनाओ, खुद लाइक। ये क्या है? अगला क्वेश्चन है, खुशी इज अ बेस्ट फ्रेंड। नहीं भाई बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो, शी इज माय क्लासमेट। अगला है भाई, तू यूएस पढ़ने नहीं यूट्यूबर बनने गया है। सही बात है भाई, अपॉर्चुनिटी मिली है तो व्हाई नॉट टू ग्रैब। और मैंने इंडिया में ही सोच लिया था भाई, वहाँ पे जाके यूट्यूब चैनल खोलना है, तो बस सच है। नहीं पढ़ाई भी करता। पढ़ाई भी करता हूँ यार, थोड़ी कम करता, लेकिन मैं बता देता हूँ चीजें, इसको चीटिंग करा देता हूँ इसको। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगला है भाई, गोना बी नेक्स्ट डैन बिल्जेरियन। ये कौन है? कौन है ये? तो भाई नेक्स्ट है वंश ग्रेटर देन, ओह वंश डैश डैश ग्रेटर देन सुपर सही इन्फ्लुएंसर। सही बात है। पता नहीं भाई। तो भाई नेक्स्ट है दैट यू मेक व्लॉग्स डॉक्यूमेंट्रीज एंड यू नो इट। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? जिसने भी लिखा ना यार कमेंट सेक्शन में जरा मतलब समझा देना, इसका मेरे को समझ नहीं आया। पता नहीं भाई क्या है? कोई सेंस है इस बात? कोई सेंस है इस बात? अगला है भाई, दैट यू गे अजम्पशन ओनली। नहीं भाई आई एम स्ट्रेट। भाई हिंदी 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 में बोल लो, नहीं आते इंग्लिश। हाँ हिंदी में बोल लो। म्यूजिक। अगला है भाई अमीर। बहुत बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए। ना भाई गरीब आदमी भाई, दाल रोटी खा लेते हैं। टर्की टर्की के नीचे कुछ नहीं लेता है। दूसरा है आर्नोल्ड। भाई अभी तो फिलहाल आर्नोल्ड सुभाष नगर हूँ, स्वेज नगर तो कहाँ ही हो पाएंगे। नेक्स्ट है भाई हॉट। हाँ भाई बहुत गर्मी हो रही है यार यहाँ पे भी ना, लिटरली बता नहीं सकता, ये पहन रखा है हाफ टी शर्ट, उसमें भी बहुत गर्मी लग रही है। नेक्स्ट है भाई एयरपॉड्स गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। तेरा बाप यार छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? भाई कब है बर्थडे आपका? ठीक है भाई, पूरे यूएस के एयरपॉड्स खरीद लिए हैं। बर्थडे कब भाई है? दोस्त है, बर्थडे तो पता ही नहीं कब है। इतना पता है जून के आसपास आता है, मई जून में, आई थिंक जुलाई में। बहुत पैसा है तू, बस एयरपॉड्स का मॉडल बता। हाँ एयरपॉड्स का मॉडल बता भाई, कलर बता दे और बस चार भिजवा देगा। कोई परिवार में बिना एयरपॉड्स के ना घूमे। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट है भाई, अब तो यूएस की लड़कियां फुल भाव दे रही होंगी। बाय द वे नाइस कंटेंट। तो भाई कंटेंट के लिए थैंक यू, बाकी भाव तो भाई देती रहती हैं, वो तो दे देती है। एक लड़की है। बस 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 चलो। नेक्स्ट पे आओ, ये फंस गया सी है। नेक्स्ट पे आओ भाई, अज्यूमिंग अनदर मैकबुक फ्रॉम यू, क्योंकि वो तो लंगर में मिलते हैं भाई। यहाँ तो लंगर में मिलते हैं। वैसा ही बात है भाई, यहाँ तो लंगर में मिलते हैं। देखो अब भाई अपनी खरीदनी भाई, बहुत खरीद ली मैकबुक, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, बैन होने वाला है ये यूनिवर्सिटी। अब भाई एप्पल वाले खुद बैन कर देंगे मेरे को। चार चार मैकबुक का कर क्या रहा है साले, तू ये बता। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अब नहीं लेनी भाई मैकबुक, अब सीधा आई मैक लेंगे। नेक्स्ट है भाई, वहाँ आप सीरियसली पढ़ते हो? हाँ भाई देखो पढ़ना
पढ़ता नहीं है, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। पढ़ना पड़ता है भाई, क्योंकि वरना ग्रेड्स डाउन हो जाते हैं। पढ़ाई वैसे आसान है भैया, समझ जाओ, कम पढ़ना पड़ता है बट ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। ये क्या हुआ, मतलब कि इंटेंसिटी ये कम है, क्या बोलेंगे यार, फ्लेक्सिबल है। कोर्सेस फ्लेक्सिबल हैं, आप ज़्यादा इनटेक नहीं देना पड़ता, इनपुट नहीं देना पड़ता, किसी किसी में देना पड़ता है इनपुट ज़्यादा, किसी किसी में नहीं, रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है भाई। असाइनमेंट क्या लो? तुम लोग को एक बात बताऊँ, भगवान इंसान का रूप लेके धरती पे आते हैं ना, बाकी तुम लोग समझदार हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कह रहे इंस्टाग्राम में मेरे को रिपोर्ट मारो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू बॉट न्यू BMW, ओके सॉरी, यू बॉट न्यू BMW, ठीक है। नहीं भाई वो चाचा ने खरीदी है, हम भाई हम गरीब आदमी है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, मेरी नहीं है भाई BMW। X7 चाचा की है। भाई तेरा फ्रेंड गुटखा खाता है? भाई सही बताऊँ तो सही में खाता है। ये इंडिया से आया था, इसको पता था यहाँ पे गुटखा नहीं मिलेगा। इंडिया से भाई बच्चे आते हैं, वो अपना कपड़े पैक करके लाते हैं। भाई साहब ये लाया था भर भर के पुड़िया, वो भी गुटके की पैक में। इमिग्रेशन वाले ने रोक लिया इसे, कहते कि बताओ इतनी सारी पुड़िया का लेके जा रहे हो, कह रहा मसाले है भैया, ये इंडियन मसाले है, ये देखो। कोई सेंस है इस बात की? अभी अभी जेब में डालूंगा ना इसकी, दो पुड़िया निकल जाएगी कम से कम अभी गुटके की। ये देखो देखो दांत भी लाल है पूरे, ऊपर मुंह करियो। तो भाई ये यूपी से है अपना भाई, तो यूपी तो भाई फेमस ही है गुटके के लिए, खाता है भाई ये? नहीं खाता यार, यहाँ नहीं मिलते गुटके। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलते तभी इंडिया से लाए, कह रहा कपड़े तो भाई यूएस में भी मिल जाएंगे, यहाँ से गुटके लेके चलो इंडिया से, कह रहा वो नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज बोथ स्टडीज एंड यूट्यूब एट द सेम टाइम? थोड़ा मुश्किल होता है यार। स्टडीज मैं मैनेज कर लेता हूँ, यूट्यूब में मेरी वजह से ही चल रहा है। कंटेंट तो मैं ही। ये बात तो सही है, कंटेंट मेरा यही है। मतलब मुश्किल है भाई मैनेज करना ना यूट्यूब एंड स्टडीज एट द सेम टाइम, और स्पेशली तब अगर आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, क्योंकि फिर आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, आपको वॉशिंग वगैरह सब करनी है, लॉन्ड्री भी करनी है, सब करना है भाई, आपको खाना ही बनाना है, खाना भी है, फिर असाइनमेंट्स भी है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है भाई मैनेज करना यूट्यूब, मतलब तब बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना यूट्यूब। बट मैं तो भाई फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत कम होता है प्रेशर, थोड़ा जब तक गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक मैनेज हो रहा है। अभी तुम रुको, अभी वीडियोस बंद होने वाली हो गई भाई, हो गई भाई, हो गई, 1.5 महीने से एडिटिंग नहीं करी मैंने, बताए। समझ रहे हो ना। हो गई भाई एडिटिंग बंद हो गई हमारी, 1.5 महीने से एडिटिंग नहीं करी भाई, टाइम नहीं मिल पाता, कहीं और एडिटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है भाई, तू वहाँ 1 लाख कमा लेता है, वाओ। तो हाँ भाई ऑलमोस्ट 1 लाख हो जाते हैं, कंसीडरिंग कि भाई आप पूरे महीने काम कर रहे हो एंड उस महीने ज्यादा हॉलीडेज नहीं है, तो 1 लाख के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज 22 इयर्स, 22 तो नहीं है यार, 20 है यार। मेरे को ऐसे बहुतों ने कहा है कि फेशियल हेयर की वजह से मेरे को मेरी एज ज्यादा लगती है, भाई इतना भी ज्यादा मेरी 17 लगती है। इसकी तो भाई मुझे ही नहीं आ रही, इसकी देखो दाढ़ी है, मुझे है ही नहीं। खत्म। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिटेड फॉर श्योर? जिस दिन इसकी वीडियोस आनी बंद हो जाए उस दिन समझ जाना कमिटेड हो गया। जिस दिन वीडियो एडिटिंग बंद हो जाए, भाई वीडियो एडिटिंग तो मेरी 1.5 महीने से बंद ही हो रखी है, सही मजाक नहीं भाई, सही में बता रहा हूँ, 1.5 महीने से एडिटिंग नहीं करी मैंने ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन या फिर इंडियन? रशियन। एहे, तड़प ही ऐसी है ना। क्या कह रहा, सस्ती पड़ती है। 6,000 1 लाख कमा रहे हैं। इसका आंसर मैं नहीं देना चाहूंगा, एजम्पशन भाई, एजम्पशन के बारे में बात करें, क्वेश्चन की पुटअप कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन था इसलिए मैं आंसर नहीं करूंगा, अजम्पशन होता तो कर देता। नेक्स्ट है भाई, फीस निकल जाती है भाई पार्ट टाइम जॉब करके? भाई अगर इंडिपेंडेंटली रह रहे हो तो भाई बिल्कुल, मतलब ना के बराबर समझो, निकलेगी ना के बराबर, $100 निकाल पाओगे आप, $100 महीने का, वो भी पॉसिबल मतलब बहुत कम हो पाता है, स्पेशली कैलिफोर्निया में मैं रह रहा हूं ना। ये भाई इंडिपेंडेंटली रह रहा है, इसको घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं, हर बार 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 फोन आता है मेरे पास कि पापा पैसे भिजवा दो। बड़ा हरामी हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर भी फुल बकचोदी करता होगा तू तो ये बकचोदी तो देखो करनी पड़ती है भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, बिना बकचोदी के नहीं जी सकता मैं, है ना, सीख रहा है मुझसे। बकचोदी करता हूँ वैसे मैं कितनी। कह रहा तेरे से बकचोद इंसान नहीं देखा आज तक। 16 इंच का डोला है, डोला। 16 नेक्स्ट है भाई, 16 इंच का डोला है क्या भाई का? डोला नहीं पता, कुछ और तो है।
तो भाई खत्म हो गया भाई सब, 1.5 महीने 2 महीने हो गए जिम नहीं गया मैं, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा भाई। 15 इंच या 15 इंच के आसपास का होगा, पहले इनको जान दे भाई, पीपी कर रहे हैं बड़ी, बस बाद में ताड़ लियो। अब इससे यू टर्न नहीं हो रहा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है GF, तुम्हें बनना है तो बताओ यार। बन जाओ आओ IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं इसका सारी लड़कियों ने पूछा ही है। हाँ जो भी कमिटेड तो भाई वही मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, एजम्पशन की बात करी थी भाई, एजम्पशन करते तो वो बता देता। तो बस भाई आई थिंक बहुत हो गई, अब हमारी क्लास है, मेरी जॉब है इसकी पता नहीं है, तो खाली है तो घर जा रहा है। तो बस भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड भाई आई होप यू गाइस लाइक इट, सो इफ यू डिड सो डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड भाई डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मैं ऐसे करता रहूंगा, Q&A सेशन भी करूंगा सून, ऐसे एजम्पशन वगैरह भी करता रहूंगा, तो भाई फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके। कुछ कहना चाहेगा? लाइक दिस वीडियो एंड डोंट सब्सक्राइब, इफ यू हैव देन कैंसिल इट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, लव फ्रॉम कैलिफोर्निया, बॉयज फ्रॉम इंडिया, पीस।